भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज एक स्टोरी सुनाने का मूड कर रहा था कि लोग इससे परेशान नहीं है कि उनको कोई समस्या है। लोगों की परेशानी ये है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं। आज एक कहानी है जुगनू और सांप की। जुगनू और सांप की कहानी यह है कि जुगनू उड़ रहा था और वहीं पर एक सांप था। सांप जुगनू का पीछा कर रहा था और जुगनू भाग रहा था, सांप पीछा कर रहा था। डर तो बहुत रहा था जुगनू। फिर उसने सोचा कि लगता है कि मैं बच नहीं पाऊँगा, चलो अपने मन की दो तीन बातें मैं सांप से पूछ लूँ। जुगनू ने पूछा, आदरणीय सांप जी, ये बताइए जितने जीवों को आप खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को, क्या मेरा नाम उस लिस्ट में है? जुगनू को भी खाते हैं आप? सांप ने कहा, मैं तो नहीं खाता हूँ। चलिए, कहने लगा, अच्छा एक प्रश्न और बता दीजिए, मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसके बाद जो इच्छा हो कीजिएगा। फिर जुगनू ने पूछा, क्या मैंने कभी कोई नुकसान किया है आपका जो आप मेरे पीछे पड़े हुए? कहने लगा, नहीं आपने कोई नुकसान नहीं किया। जुगनू ने कहा, आप जुगनू को खाते नहीं हैं और मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है, तो फिर ये बताइए कि आप मुझे पीछे क्यों चले आ रहे हैं, मुझे दहशत दे रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? सांप का जो उत्तर है वो जरा गौर से सुनिएगा साथियों, और आज की दुनिया क्या है। सांप ने कहा, तुम जो चमक रहे हो, तुम्हारा चमकना मुझे पसंद नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। साथियों, दुनिया भी यही है कि अधिकांश लोग जो है ना, भले ही आपने कुछ नए बिगाड़ा हो, कोई नुकसान नहीं किया हो, लेकिन आपके पीछे पड़े रहेंगे और आपका नुकसान करते रहेंगे। अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत जो है आपको परेशान करने में लगा देंगे, नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए। साथियों, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में लगाना है, क्योंकि ये छोटी सी एनर्जी को बचा के हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं सकारात्मक, क्योंकि उनका कभी नाम नहीं होता। मरते समय जब आदमी जाता है शमशान घाट पे, तो दो चार लोगों छोड़कर उसके बाद कोई नाम नहीं लेता। साथियों, मिलता हूँ फिर।